नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की सच्ची भावना से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर व्यापक आम सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी। बता दी कि नायडू बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से गठित 3 सदस्यीय समिति में शामिल है। लंदन के 24 मंजिला ग्रेनफेल टावर में आग लग गई है। घटनास्थल पर 40 दमकल गाड़ियों और 200 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेनफेल टावर अपार्टमेंट में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने इमारत के आसपास के रास्तों को सील कर दिया है। गुजरात के अमरेली में कथित किसान की ओर से चूड़ी फेंके जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि मुझ पर चूड़ी फेंके जाना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चूड़ी फेंके जाने जैसी हरकतों की अपेक्षा पहले से थी। योग दिवस की तैयारियों के बीच आयुष मंत्रालय अपनी एक किताब को लेकर विवाद में फंस गया है। किताब में मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने के कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि गर्भधारण के बाद महिलाओं को सेक्स नहीं करना चाहिए और अंडा या मीट से भी दूर रहना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के घर पर डॉक्टरों की तैनाती को पद का दुरुपयोग बताया। साथ ही कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी तो उन्हें एयरलिफ्ट करना चाहिए था या कम से कम IGIMS के ICU में भर्ती करना चाहिए। घाटी में पिछले 11 महीनों से जारी हिंसा और तनाव के बीच एक अच्छी खबर आई है। सेना NGO की मदद से सुपर 40 कोचिंग सेंटर चलाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 40 बच्चों को कोचिंग दी जाती है। इन्हीं में से 9 छात्रों ने IIT एडवांस परीक्षा पास की है। वहीं दिल्ली में इन छात्रों ने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। पंजाब सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस कैबिनेट बैठक में पंजाब में होने वाले तमाम नगर निगम निकाय और पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। इसके तमाम सरकारी महकमों में नौकरी से लेकर चुनाव तक महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ट्वीट कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि पार्टी और पार्टी के बाहर उनके अनुभव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और पार्टी के लिए लगा दिया है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच पिछले 24 घंटे में कर्ज से परेशान 3 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। इनमें से पहला मामला सीहोर जिले के जाजना गांव का है, दूसरा विदिशा जिले के जीरापुर गांव का है और तीसरा मामला होशंगाबाद जिले के सिवली मालवा का है। उधर CM शिवराज सिंह चौहान मंदसौर और पिपलिया मंडी के दौरे पर पहुंचे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जोधपुर के राजीव गांधी नगर के थाना अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि थाना अधिकारी ने एक महिला से उसके पति की जमानत के बदले में रिश्वत और साथ में एक रात बिताने की मांग की थी। दिल्ली नोएडा के बीच चलने वाले मेट्रो की ब्लू लाइन घंटों ठप रही। जानकारी के मुताबिक मेट्रो के तार में एक बाज टकरा गया था, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट हो गया। मेट्रो से सफर करने वालों को करीब 3 घंटे परेशानी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अभी तक तो विपक्ष पार्टी वाले ही पप्पू कहते थे, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है कि कांग्रेस के ही जिला अध्यक्ष ने राहुल गांधी को पप्पू बताकर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट डाला। इसके बाद कांग्रेस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता को पार्टी से बाहर कर दिया। अगले 2 साल के भीतर देश के सभी 800 जिलों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि इस साल 150 पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं और 2 साल के अंदर सभी 800 प्रधान डाकघरों में ये सेवा आरंभ कर दी जाएगी। बांग्लादेश में बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने कम से कम 106 लोगों की मौत की खबर है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक मारे गए लोगों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थी। क्षेत्र से आई तस्वीरों में बचाव कार्यकर्ता कीचड़ को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि भूस्खलन से कई घर नष्ट हो गए हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट की चाइनीज एक्ट्रेस जूजू बॉलीवुड फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जूजू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक नई तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वे रेड कलर की बिकनी पहने हुए नजर आ रही हैं। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजातर इन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार इस मंच पर मिलेगा। सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान।
जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।